बीजेपी के सांसदों और मंत्रियों को नोटिस। 30 दिन में खाली करना होगा सरकारी बंगला। बीजेपी के राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का चुनाव जीतने के बाद हर किसी को इंतजार है सीएम का। लेकिन इस बीच बीजेपी के जो सांसद जीतकर अब विधायक बन गए हैं, उनको नोटिस जारी कर दिया गया है। जिन्हें नोटिस दिया गया है उनमें योगी बालकनाथ, दिया कुमारी के नाम भी शामिल हैं, जिनके नाम राजस्थान के अगले सीएम की रेस में आगे चल रहे हैं। दरअसल इन्हें 30 दिन के अंदर अपना सरकारी बंगला खाली करना होगा, इसको लेकर इन्हें नोटिस भेजा गया है। बता दें कि विधानसभा का चुनाव जीतकर विधायक बने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने सांसदी के पद से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि लोकसभा आवास समिति ने विधानसभा चुनाव जीतने वाले सभी बीजेपी सांसदों को 30 दिन में सरकारी आवास खाली करने का नोटिस दिया है। सांसदी के पद से इस्तीफा देने वाले सांसदों में से 8 सांसद सामान्य पूल का हिस्सा है, 3 सांसद मंत्री हैं, इसीलिए उन्हें शहरी विकास मंत्रालय से आवंटन मिलता है। आपको बता दें कि जिन लोकसभा सांसदों को 30 दिन में घर खाली करने का नोटिस दिया गया है उनमें बाबा बालकनाथ, राजवर्धन सिंह राठौर, दिया कुमारी, राकेश सिंह, अरुण साव, गोमती साय, रीति पाठक और उदय प्रताप सिंह जैसे नेताओं के नाम शामिल हैं। बता दें कि बीजेपी ने 3 राज्यों छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 21 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा था और इनमें से 12 सांसद विधायकी का चुनाव जीतने में सफल रहे थे। चुनाव जीतने वाले इन सांसदों में राजस्थान से राजवर्धन सिंह राठौर, दिया कुमारी, किरोड़ी लाल मीणा और बाबा बालकनाथ शामिल थे। वहीं छत्तीसगढ़ से अरुण साव, रेणुका सिंह और गोमती साई थे। इसके अलावा मध्य प्रदेश से नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, राकेश सिंह, उदय प्रताप और रीति पाठक शामिल हैं। गौरतलब है कि दिल्ली के लुटियंस जोन में सांसदों, केंद्रीय मंत्रियों और राज्य मंत्रियों को टाइप 6 से लेकर 8 तक के सरकारी बंगले अलॉट कराए जाते हैं। किस सांसद को किस टाइप का बंगला मिलेगा ये पूरी तरह उसकी वरिष्ठता पर निर्भर करता है। अगर सांसद इस्तीफा दे देते हैं तो उन्हें नोटिस मिलने के बाद 30 दिनों के अंदर इन बंगलों को खाली करना पड़ता है। हालांकि 30 दिन के नोटिस के बाद भी कुछ समय तक उस बंगले में वो रह सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें बाजार मूल्य की दर पर किराया देना पड़ता है। लेकिन अब नोटिस जारी करने के बाद इन सभी सांसदों से विधायक बने बीजेपी के नेताओं को बंगला खाली करना पड़ेगा, नहीं तो उन्हें पैसा देना पड़ेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।